फ्रेंड्स हमारे साथ करण है, फर्स्ट अटेम्प्ट 681 और भाई को 11th में टाइफाइड हो गया था, 11th में पढ़ नहीं पाए और 12th में अप्रैल में स्टार्ट होके निकाल दिया। तो करण जी ये बताइए, आपके पास घर में साधन भी नहीं थे कोचिंग में जाने के, क्लासरूम कोचिंग में जाने में, वीडियो कोर्स खरीदने के, तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे यहाँ से किया, टेस्ट सीरीज वगैरह किया, पर ये बताइए 12th में जब स्टार्ट किया तो डर नहीं लगा कि लेट हो गए, नहीं हो पाएगा? हाँ सर, लेट तो हो गया था मैं, क्योंकि 11th भी पूरी टाइफाइड में निकल गई, फिर बाद में 12th में आके देखा मैंने तो लगभग आधे चैप्टर मैंने पढ़े थे 11th के, और मेरे को 12th का भी पूरा सिलेबस करना था अभी, लेकिन साथ साथ मतलब अप्रैल में आपकी नीट प्रेप के बारे में पता चला, वहाँ से मतलब हर चैप्टर करने के बाद एक चैप्टर किया, उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। पहले तो मैं मतलब 100 to 150 क्वेश्चन ही करता था मेन मेन टॉपिक्स के, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे मतलब इससे मतलब टाइम बचा मेरा, फिर बाद में जो टाइम मिला उसी में टॉपिक के अंदर डीप घुस के थोड़ा पढ़ा मैंने, लेकिन ज़्यादा डीप भी नहीं घुसना है, इतना ही कि मतलब डीप भी नहीं घुसना। हाँ करेक्ट, बिल्कुल, बस नीट का मतलब जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा कम है, मॉडरेट से भी कम ही है थोड़ा, तो ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है। जैसे कि इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसमें आयनिक सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, तो उसके ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्वेश्चन सिंपल आते हैं जो मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसी पैटर्न पे आते हैं सारे क्वेश्चंस। तो आप आपके ऊपर तो एक्स्ट्रा प्रेशर इस चीज का ऑलरेडी था कि मेरा एक साल वेस्ट हो गया, 96 चैप्टर का सिलेबस है, 50 11th के चैप्टर है, 46 12th के चैप्टर है, तो आपको लगता था कि सिलेबस खत्म करने में तकलीफ होने वाली है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, और आपकी स्पेशली नजर इस बात पर रहती थी कि मैं एक चैप्टर पर अटक ना जाऊं, मुझे कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना है? हाँ सर, मतलब वो होता है ना कि जैसे कि एक ही चैप्टर कोई कर रहा है, बायो का एक चैप्टर उठाया जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसी पे लगे हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं करना है, सारे तीनों सब्जेक्ट साथ में लेके करना है, तीनों सब्जेक्ट साथ में लेके करना है, और जैसे मतलब टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो कि सुबह हम इतने से इतने टाइम फिजिक्स पढ़ेंगे, दोपहर को खाना खाने के बाद इतने से इतने टाइम केमिस्ट्री को देना है, फिर रात शाम और रात का टाइम इसको बायो को देना है, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज करनी है, ऐसा नहीं है कि आज इस हफ्ते बस थ्योरी पढ़ेंगे अगले हफ्ते क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है, आपका सिलेबस आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं है कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे अटक गए, दो सवाल आएंगे, तीन सवाल आएंगे 180 में से, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, बाकी 177 सवाल का क्या? बच्चों मैं वापस एक चीज बताना चाहता हूं, आप जिस बंदे को देख रहे हैं इनके पास साधन नहीं थे, कोचिंग नहीं गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस रखा, थ्योरी पढ़ी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, थ्योरी पढ़ी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपने अभिषेक का वीडियो देखा होगा, उनका पिछले साल फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, पर उनके पास भी कोई कोर्स नहीं था, ज्यादा से ज्यादा ये साधन जरूर थे कि यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लिए जो फ्री वीडियो होते थे, पर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर किया। अब मुझे एक चीज बताइए, आपका किसी भी टेस्ट में 681 स्कोर आया था? इस बार आपका 681 है, किसी भी टेस्ट में 680 बनाया था? नो सर, मतलब शुरुआत में जब मैंने टेस्ट देना चालू किया तो लगभग 550 के आसपास मार्क्स आते थे, उसके बाद लास्ट में जब लास्ट का टाइम था, ये जून जुलाई का टाइम था, तो उसमें मतलब एक में 630 मार्क्स भी आया, लेकिन हाईएस्ट मेरा 646 गया, उसके आगे नहीं गया मेरा हाईएस्ट मार्क्स। तो क्या हुआ ऐसा एग्जाम में? सर गेम डे पे छक्का मार दिया। हाँ सर, वही जो आप कहते हो ना कि नेट्स में प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, लेकिन मैच में जाके पहली बॉल पे सिक्स है। भाई लोगों उम्मीद है, गिव अप नहीं करना है, सिलेबस बचाए, आप लगे रहिए, आपको टाइम मिलेगा, हो सकता है मई में एग्जाम ना हो, एक्सपेक्टेड है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टेट्स में जनवरी एंड में जाके खत्म हो, तो लग जाइए अच्छी तरह। एग्जाम्पल है, 11th में टाइफॉइड हो गया, 12th में तैयारी चालू की, कोई कोचिंग नहीं थी, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं था, यूट्यूब से वीडियो देखे और दबा के हमारे प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और हो जाता है। कोई एक चीज जो आपकी सक्सेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट की, क्या है वो? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो 11th से ही सोचते हैं कि बहुत टफ है, 11th से चालू करते हैं हम, 11th की शुरुआत से करेंगे और 12th तक हमें लास्ट में करना पड़ेगा, तब जाके हमारा नीट निकलेगा, मतलब ऐसा नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब वन ईयर की कंसिस्टेंसी इनफ है। कंसिस्टेंसी का मतलब बताओ तुम्हारी लाइफ में, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब था, डेली क्या कर रहे होते थे? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, रोज पढ़ने हैं, और एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, चाहे संडे हो या कोई फेस्टिवल हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, यही कंसिस्टेंसी का मतलब है। कोई बर्थडे नहीं, कोई त्योहार नहीं? बर्थडे पर तो और पढ़ो, मतलब बर्थडे पे ज्यादा पढ़ो, क्योंकि घर वाले अपना बिजी हैं, तुम
घर वाले अपनी तैयारी में बिजी हैं कि हाँ भाई बर्थडे है, रात को केक कटेगा, तब तक आप पढ़ो, रात तक पढ़ो बिल्कुल, केक काटने के टाइम पे जाओ। देखो यार क्या है भाई, है ना, थोड़ा पतला सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, पर जो डिटर्मिनेशन है ना वो बहुत कुकार है। अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, मैंने इससे पहले इससे बात की तो ऐसी ऐसी चीजें इसने मुझे बताई है। तो चीज क्या है कि आप ये समझ लीजिए, बट एट द एंड ऑफ द डे नीट जैसा एग्जाम ये मुश्किल नहीं है, पर इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, और इसका मतलब यह है कि आपसे कंसिस्टेंसी एक्सपेक्टेड है। आप यदि 10th क्लास तक एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ के आपके 95, 96, 97% आते थे, आपके नीट के एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ना चालू करेंगे, आपके 125 नंबर आएंगे 720 में से, क्योंकि सिलेबस का कंप्लीट कवरेज चाहिए, राइट। और ये जो कंसिस्टेंसी बोल रहा है ना, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। पेपर मुश्किल नहीं होगा, आपका सिलेबस खत्म हुआ है तो आपका एक सर्टेन स्कोर आएगा, पर आप कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये समरी है, देख लीजिए, आपने अभिषेक का वीडियो देखा, आपने करण का वीडियो देखा, दोनों मौलाना आजाद जाएंगे, दोनों दिल्ली से हैं, दोनों के पास साधन नहीं थे और दोनों ने नीट क्रैक किया और प्रूफ कर रहे हैं, सपना है, मेहनत करेंगे तो मुमकिन है। ठीक है बच्चों।